अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो है जंप सूट रोमपर। बेबी गर्ल्स हो या बेबी बॉय, सब पर ये बहुत सूट करते हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन सब नहीं। जब भी कभी कोई न्यू कमेंट्स आता है और अपनी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हमें ये भी दिखा दें, उससे शायद दूसरों को भी फ़ायदा हो, बड़ा अच्छा लगता है। बड़े प्यार से ये मैसेज ऐसे लगता है उन्होंने किया है, तो मैं उनकी प्यार भरे कमेंट्स का फौरी नोटिस लेती हूँ और उनको, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, मेरे पास कमेंट्स में फ़ौरन उनकी रिक्वेस्ट कबूल करती हूँ। और अगर कोई बुराई करता है और कहता है इसमें दिखाया ही क्या है और आपने ये नहीं दिखाना था, ऐसे दिखाना था, तो वो भी मैं काम करना चाहती हूँ कि आप बताएं मैं क्या करूँ इनमें। जैसे मैंने रोमपर की डिज़ाइनिंग दिखाई, अब कमेंट्स आएंगे, आप कुछ कमेंट्स, सब नहीं, कि आप ऐसे ड्रेस मत दिखाया करें जो बच्चों को हमारे इस्लाम में सही नहीं लगते। तो मैं फिर फ्रॉक फुल स्लीव्स के दिखाने लग जाती हूँ, शलवार कमीज़ें दिखाने लग जाती हूँ। फिर कमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज़ हमारे लिए भी कोई ड्रेस बनाएं, हम इस मुमालिक में रहते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को भी कुछ इस तरह के ड्रेस बनाएं। तो ज़ाहिर है मुझे हर तरफ से सोचना पड़ता है, इसीलिए मैं हमेशा रोज़ मिक्स डिज़ाइनिंग लगाती हूँ। एक आइडियाज़ वीडियो में फुल स्लीव्स भी लगा देती हूँ, हाफ स्लीव्स भी, स्लीवलेस भी, और ट्राउज़र शर्ट वाले डिज़ाइन भी, कमीज शलवार वाले भी, लहंगा कुर्ती वाले भी। लेकिन जंप सूट के सिर्फ एक ही वीडियो में मिक्स जंप सूट होते हैं, कोई निकर वाला, कोई ट्राउज़र वाला, लेकिन फुल स्लीव्स वाला कोई कोई होता है। हाफ स्लीव्स के तकरीबन यूँ इसलिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि अगर सर्दियों वाला है ट्राउज़र के साथ, पजामे के साथ, तो उसमें आप इसी तरह की ट्रिक आजमाएं और वो हाई नेक बना लें। अगर आपने पेंटी के साथ बनाना है, ब्लूमर के साथ की डिज़ाइनिंग, यानी कि जो भी आपने जंप सूट यानी कि रोमपर बनाना है, तो वो आप गर्मियों के लिए बना सकती हैं, क्योंकि प्यारे बहुत लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस। और कुछ लोगों को तो स्पेशल बनाने का ही शौक होता है कि हम गर्मी में इसी तरह के ड्रेस बच्चियों के या बच्चों के बनाएं, उन पर सूट बहुत करते हैं और खूबसूरत अंदाज से पहनाए भी जाते हैं और लगने भी चाहिए खूबसूरत, लड़के हों या लड़कियाँ। हर माँ का शौक होता है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा सा कोई ड्रेस पहने, उसका मैं अपने हाथ से तैयार करूं, चाहे मार्केट से लाऊं, लेकिन हो बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा ड्रेस, जो देखने वाले भी कहें वाह माँ की पसंद कितनी अच्छी, अपने बच्चों को कितना प्यारा प्यारा ड्रेस पहनाती है और उसको खूबसूरत तरीके से तैयार भी करती है। आज की डिज़ाइनिंग ब्लूमर की, आज शायद मेरे चैनल पर ये दूसरी वीडियो है, और पहले मैंने सर्दियों के दिखाए थे एक दफ़ा आपको जंप सूट, आज गर्मियों के लिए दिखाएं स्पेशल। तो कैसे लगे बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपके तमाम मेरे जितने भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं कमेंट्स का, कि प्लीज़ चाहे जैसा भी हो कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो दिखाने की कोशिश कर सकूं। और इस तरह के जंप सूट लगते भी बहुत खूबसूरत हैं। अगर आपको ये तमाम डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, लाइक का, चाहे हेट कमेंट्स हो चाहे लाइक कमेंट्स हो, लेकिन होना चाहिए। हर वीडियो पर कमेंट्स कर दिया करें जो आपको अच्छा लगे, किसी के लिए मुझे गाइड भी कर दिया करें, कोई ऐसा ड्रेस है ये हमारे पास है, अगर आपके पास कोई डिज़ाइनिंग है या वीडियो होती है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया करें, ताकि आपके नाम के साथ मैं अपनी वीडियो में भी दिखा सकूं। देखें मेरे कितने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और कितने अच्छे व्यूअर्स हैं जो मेरा काम देख कर भी खूब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं या पहले से ही एक्सपर्ट हैं, ज़रूरी नहीं वो मेरा काम देख कर ही एक्सपर्ट हुए हैं। कभी कभी एक्सपर्ट लोग भी हमारी वीडियो देख लेते हैं और कभी कभी उनको भी हमारी वीडियो कोई ना कोई पसंद आ ही जाती है। आज की भी बहुत प्यारी प्यारी कोशिश तो मैंने की डिज़ाइनिंग लेकर आऊँ, ब्लूमर की, जंप सूट की, रोमपर की, अच्छे अच्छे अंदाज से, ताकि आप बना सकें इस तरह के प्यारे प्यारे से जंप सूट। और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी हर वो जायज़ कबूल हो जो अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर जानता है, बेहतर समझता है, और आप उन चीज़ों के लिए उन हाजात की तलब करती हैं कि अल्लाह हमें अता करे, और उसमें देर हो जाती है, आप बेचैन हैं, तो आप प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह से ज़रूर दुआ करें। लेकिन अगर देर भी हो गई शिकवा मत करें, अल्लाह ताला सब अच्छा करने के लिए है और सबके लिए बेहतर ही होती है उस काम में, किसी में देर या किसी में जल्दी। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मुझे भी खुश रखे, और मेरी सेहत तंदुरुस्ती कायम रहे, आप तमाम की सेहत तंदुरुस्ती कायम रहे, और जिस जिसके जो भी रोज़गार हैं अल्लाह ताला उनके रोज़गार में बरकत तरक्की अता फरमाए और उनकी हर परेशानी दूर करे। अल्लाह ताला से सब मिलकर आमीन बोला करें, जाने इस आमीन में किसकी कौन कौन सी दुआएँ छुपी हुई हैं और आमीन से किसकी पूरी हो जाए। अच्छा लगता है जब आप लोग किसी को बहुत प्यारी प्यारी दुआएँ देते हैं और आमीन कहते हैं, और इस तरह से आपकी भी आपको भी दिली सुकून ज़रूर मिलता होगा। आजमा के देखिएगा दिली सुकून के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।